हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं सचिन तिवारी ग्रामर वीडियो। आज मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी चार क्वेश्चन और उसके आंसर्स। GK लुसेंट से ये बुक मैंने लिया है। आज आपको क्वेश्चन और उसके आंसर्स दूंगा हिंदी में, वो भी जनरल नॉलेज के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेना। वीडियो ज़्यादा बड़ी होने वाली है, पहले बता देता हूँ, इसीलिए थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और अब आप मुझे खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ यार इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर है बोध गया। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है, यानी कि गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, यानी कि एक हिसाब से अगर पंजाबी भाषा की लिपि कोई पूछता है तो उसका आंसर होगा गुरुमुखी। चौथे नंबर पर है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आंसर है मधुमेह यानी डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आंसर है आसाम में बिहू राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है आसाम। आसाम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी है, जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है, यानी कि अधिक मात्रा में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम जनरल गवर्नर था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आंसर है चीन में कागज का आविष्कार हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आंसर है सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का बचपन में। 12वां है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। 13वां क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आंसर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जो कि रात में दिखाई नहीं देता इंसान को, उसे बोलते हैं रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? 14वां क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? आंसर है तमिलनाडु। 15वां है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? आंसर है पंजाब के। आप देख रहे हैं यहाँ पे पंजाब के ये गिद्धा और भांगड़ा मुख्य त्यौहार हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। 17वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 18वां है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? आंसर है गलफड़ों के सहायता से मछली सांस लेती है पानी के अंदर, यानी कि। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। 20वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड
1919 में अमृतसर में हुआ। 21वां क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को पंजाबी केसरी कहा जाता है, पंजाब केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? आंसर है भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की। 24वां है, 1857 में ई के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? आंसर है मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने 1557वीं के विद्रोह में अपना बलिदान दिया। 25वां है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव ने 2 बार चढ़ी थी। संतोष यादव एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? आंसर है राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। 29वां क्वेश्चन है, वेदों की ओर लोटो लोटो का नारा किसने दिया? यहाँ पे लोटो हो गया है, लोटो। वेदों की ओर लोटो का नारा दिया है दयानंद सरस्वती ने। 30वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। 1498 में वास्को डिगामा भारत में आया। वास्को डिगामा कहाँ रहने वाला था? पुर्तगाल। पुर्तगाल में वास्को डिगामा रहता था। हवा महल कहाँ स्थित है? आंसर है जयपुर। सिख धर्म का स्थापना किस किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव, सॉरी, किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो लाइक करना। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली अमृतसर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। भारत का रचयिता कौन है? महर्षि देव व्यास। भारत का रचयिता महर्षि देव व्यास थे। हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। 22वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 44वां क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 45वां है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है? आंसर है जापान। जापान सूर्योदय नाम से प्रसिद्ध है, सूर्योदय का देश कहा जाता है उसे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर है गोवा। केवल 2 राज्य है उसमें, गोवा में सिर्फ 2 राज्य हैं। या ध्यान रखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा या फिर उसके पहले बताया था, अगर नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा आई बटन पे। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है?
आंसर है केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यह ध्यान रखने वाली बात है, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई पूछेगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो आपको याद रखना है 1911 में। चलते हैं 50वें क्वेश्चन पर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? बाघ। 92वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जल जलीय जीव कौन सा है? गंगा, डॉल्फिन। 54वें क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। 55 नंबर पे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। 56 भारत का राष्ट्रीय पेड़ पेड़ कौन सा है? बरगद। 97वें पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। 58वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3.2। 3.2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा सबसे पहले। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है, यानी कि वो कितने टाइम का है? आंसर है 52 सेकंड का। 52 सेकंड में पूरा राष्ट्रगान खत्म हो जाता है। 62वां है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की, यानी कि रेडियो एक्टिवा, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आंसर है हृदय। हृदय का पेसमेकर से संबंधित है, यानी कि शरीर पेसमेकर संबंध हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। यानी कि अगर कोई हीरे का कोई पूछे तो हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन में, और हीरा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा, रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? आंसर है तांबा। चलते हैं 71वें क्वेश्चन पर, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसे दिखाई देता है, कैसे दिखाई पड़ता है? काला। यानी कि जो अंतरिक्ष में होता है उसे आसमान सफेद नहीं बल्कि काला दिखाई देता है, क्योंकि वह सूर्य से भी ऊपर है। अभी ये किस लिए नहीं दिखाया था, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, पर वो मेरे ख्याल से सूर्य से ऊपर है इसीलिए वो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। उत्तर है राजघाट। 74वां क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? उत्तर है बम्बई, वर्तमान मुंबई से ठाणे तक, यानी कि मुंबई से ठाणे तक। पहले मुंबई का पुराना नाम था बम्बई, अब मुंबई रखा गया। 75वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई?
आंसर है कोलकाता में। कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? आंसर है 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्काइड्रन लीडर राकेश शर्मा। स्काइड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर है भगवत दयाल शर्मा। दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के मुख्यमंत्री सबसे पहले। 80वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 81वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आंसर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। 83वां क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? सॉरी, आंसर है 193। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 293 सदस्य हैं, देश सदस्य हैं। सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश के सदस्य होते हैं? आंसर है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? आंसर 5। 86वां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग हॉलैंड। द हेग है हॉलैंड में। ओके, द हेग हॉलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि कोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। 28वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। 89वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? उत्तर 2 वर्ष के लिए। केवल 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के स्थायी सदस्य चुने जाते हैं। 90वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। आंसर है दक्षिण सूडान। सूडान बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य। 91वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के। 92वां क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 93वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है 14 सितंबर को। सॉरी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 93वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? आंसर है अनुच्छेद 343। 343 अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धी में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। 95वां क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन किसने
कितने वर्षों बाद होता है? आंसर है 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। 96वां क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, यानी कहाँ हुए, सॉरी इसमें होंगे आ गए, कहाँ हुआ? रियो डी जेनोरी में ओलंपिक खेल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 98वां क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? आंसर है मुर्राह। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, आंसर है मुर्राह। 99वां क्वेश्चन है हमारा, शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है गुड़गांव। गुड़गांव में शीतला माता मंदिर स्थित है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिबा फतिमा बीबी, ये थी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और मेरे सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।